अस्सलाम वालेकुम भाई और उनकी प्यारी बहनों। अभी इस टाइम पे मैं अपने भाई इलाके मोच मियाँ वाली आया हूँ। मेरे साथ ही मेरा मसेर शारिक खान है, ये आसिम खान है, एक और भी है वो थोड़ा शरमार है, वो भी मेरा मलवेर लगता है। तो ये हमारा घर है, आपको हम थोड़ी ज़मीन, ये मस्जिद हमने बनाई है माशाल्लाह बड़ी अच्छी। हम आपको घर शर दिखा दें और फसलें वगैरह दिखा दें आपको। ये हमारे मतलब सारे रिश्तेदार ही हैं, मामू खाला मामू इनका। तो बड़ा सोना शहर है साडा मोच। तो शाही चलें फिर चलें। उमर यूसुफ किधर रह गया है? यूसुफ चलो अभी एक मरमसी रहता है वो, जब आता है ना तो उसके बाद फिर हम मिलते हैं, ठीक है। ये यार गाँव की मुझे सबसे अच्छी बात ये चीज़ लगती है कि यहाँ पे ना लेने के लिए खुली सांस होती है। अब ये देखें ना ये सारा, ये इतनी फसलें माशाल्लाह ग्रीनरी। अब पिंडी में और बाकी शहरों में हम तरस गए देखने के लिए ऐसी जगहों के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को शायद अजीब से लगेगा, लेकिन यहाँ पे लिटरली ना गोबर की बू भी ना हमें नेमत लगती है। वहाँ पे हम ये खुशबू सुनने के लिए भी हम तरस गए। लेकिन गांव की लाइफ मज़े की है, गांव की लाइफ मज़े की है। यहाँ पे मतलब मेहनती लोग हैं, सुबह सुबह सवेरे उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, मतलब परफेक्ट लाइफ जो नहीं होती। अभी हम असल मसेर का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाए ना मसेर के साथ चलते हैं। चलो अभी हम आगे कब्रिस्तान जाएंगे, हम रास्ते में आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाएंगे अगर मौका मिला तो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये बाइक बंद हो के कैमरा खोला है, दस से स्टार्ट हो गया। ये हमारा उमर बिरा उमर कह रहा हूँ, यूसुफ दोस्त आ रहा है हमारा। चलो जी यहाँ की तो ना बनाओ ना, इधर बना लो। बोले तो अजीब बंदे, ये कोई अजीब बंदा कहते हैं मेरी बनाओ मेरी बनाओ। अब हर टाइम उसकी मैं बना सकता हूँ। ये व्यू देखें बस, खाली सारे पैसे व्यू के। ये रोटे देखें सर की रोटे अपनी चास है। ये पीछे शाहरुख खान भी आ रहा है। हाँ वो क्या शेर था तुम्हारे? हाँ किसी ने क्या खूब कहा कि तुम्हारे लंदन ते पेरिस ती पक्की सरकां तू साडे पिंड पिंड दे कच्चे रस्ते हजार बेहतर है। हजार गुना बेहतर। मेरे प्यारे भाई वालेकुम सलाम, मेरा भूरा का हाल दे। ये देखें ये हमारे गांव की फसलें हैं, नेचुरल ब्यूटी। तो अभी हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, आगे कब्रिस्तान में मैं खटी बनाऊंगा, लेकिन आगे जाके ना फिर हम फिर आगे जाके मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। तेरी नहीं बना रहा, क्यों बुलाना है? करना नहीं पड़ा यार, ये हमें काफ़ी देर दिमाग खा रहे थे कि हमें भी बीच में लाओ, तो इनको भी ले आता हूँ। और दोबारा ना बोलना पता लगे यूट्यूब पे कैप्शन लिखा हूँ मैंने, आई वेंट टू माई होम टाउन फेल इन टू नाला। यार ये देखें मैं गाँव की ये चाहिए, मैं पिंडी में ना उमर भाई पिंडी में ये चीज़ें देखने के लिए तरस गया हूँ सीरियसली। वो यही है, अभी देखो कितने मज़े से खा रहा है ये। तो बहरहाल अभी कब्रिस्तान में खास आने वाला है, तो आगे जाके मिलते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया ये कब्रिस्तान है यहाँ पे हमारे। हाँ हमारे अबाउ अजदाद इधर हैं, तो अभी भी बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।
ये जो है ना ये तमाम साबन हो गया और क्या होता है यार ये है वो चीज बच गया मेन चीज जो है ना वो यही है देखो ना जी कर रहा ये कटना ये इसका आप हलवा बना के खा भी सकते हैं बस का चलो जो नंबर बच्चा वाला मोहन नंबर वो देख ना उमर 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 कितने कर रहा है भाई सब्जी कट रहा अच्छा यहां पे प्लानिंग हो रही है अभी मालिक मुकाम प्लानिंग कर रहा है गुड साफ उधर को साफ उस पर एक गन मंडो भी ना भाग लगा आग लगा देंगे सब आपको तो मैसेज आए हाय उनकी प्यारी बहनों अभी इस टाइम पे हम ट्यूबवेल आए हैं तो पहले जाते साहब नहाना शुरू हो गए थे तो हम साहब लोगों को बता नहीं पाए बाकी ये यूसुफ लोगों ने नहाया बच्चों ने नहाया मैंने नहाया आप देख सकते हैं गाँव की बात देख लें जिसकी हमारे पास बात करता हूँ यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है तो ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और देखिए मेरे आस पास पीछे देखें सारी ग्रीनरी ग्रीनरी मतलब चारों तरफ से ना सब निकल है तो जो इंसान डिप्रेस हो ना डिप्रेस साइंटिफिक फैक्ट है कि जो इंसान डिप्रेस हो वो आधा घंटा सिर्फ दफ्तर में और शहर में वॉक करे ना आगे लोग इंसान से ठीक हो जाता है तो अब ये देख सकते हैं हमारा छोटा शेर है ये भी मेरा मशेर है अहमद खान की हाल है फिट है हाल दे अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं तू सर सुनो की ना है की ना है मोहम्मद अहमद तारी ये आशिर खान है वालेकुम सलाम ये सारे हमारे कजन हैं ये यूसुफ है ये उम्र बैठा हुआ ऊपर तो बहरहाल ये हमारा गांव है मौज फखरे मौज तो अभी इंशाल्लाह व्लॉग बना रहे हैं आगे ताकि याद रहेगा उम्र हो तू भी कुछ बोल दे यार तू भी कुछ हाथ वगैरह दे दे आप कैसे महसूस कर रहे हैं आप पैगाम शहरी लोगों को कुछ पैगाम देना चाहिए एक मैं हाँ यार शहरी लोगों ने ना जो होती है ना नेचुरल ब्यूटी वो ये जो हमारे पास है नेचुरल ब्यूटी वो अपने ख्वाब में भी उसको तसव्वुर नहीं कर सकते जैसा ये खूबसूरत माहौल खूबसूरत ठंडी हवा और यहाँ के खूबसूरत बच्चे और खूबसूरत लोग और यहाँ का हर चीज़ देखो हर तरफ हरियाली तुम्हें लग रहा है कि ये जगह जन्नत से कम लग रही है तुम्हें मुझे लग रहा है जन्नत में आ गया ये बिल्कुल मैं भी यही उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर मोदी जगह हमारे शहर मोसी में इतनी प्यारी जगह है देखें आप ये आप करें निवारा और ये मेरा छोटा भाई जीतो खान है बड़ा भाई और ये बहुत ही अच्छे और नेक आदमी है बात है हरामी बहुत अच्छी बात है अच्छा और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा सामने घर है वो जो देख रहे हैं सामने घर है वो हमारे घर है आपके और ये मेरे बड़े भाई हसन है अल्लाह हसन भाई की लंबी जिंदगी करे और दूसरी बात ये कि ये हमारे इलाके में ना बहुत ज़्यादा होते हैं ट्वेल ये जिसमें तो चेक करें हम ट्वेल और वो दादा का जान है भाई दादा भी हो जा रहे हैं
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ये है हमारे मौज की ब्यूटी और ये खूबसूरती। हम आए हुए हैं इस बार डेरे पे नहाने ट्यूबवेल पे। हम सारे कलर मिल के आया यहाँ और ये हमारे मौज और डेरे की असल खूबसूरती। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। व्यू दिखाओ भाई, इनकी व्यू दिखाओ। ये तो लगड़ी है। इधर आए यार, दारो करो। ये हमारा छोटा मटेर कलन है। चल गया, अभी शर्माता कैमरे मेरे छांव दिखा ना दोस्त, एक वीडियो बनाना खाना तो बाकी गुड हो गया। इसको बंद करना, अपना मोबाइल मुझे देना, उतार लो। तो ये हमारा, मैं आपको तारुफ कर रहा है मौज के लोगों से, जिन्होंने बताया मौज की खुशियाँ बताई किस तरह इतना प्यारा है। तो अभी आगे और भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से ब्लॉग तक काफ़ी आगे मिल गई। तो बहरहाल आपको हम आगे फिर या तो अल्लाह या फिर आगे। हाँ।